दोस्तों, अगर आप अपने ग्रह क्लेश, घर में अशांति और अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप परेशान हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे और इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं ऐसे विषय में बात करने जा रहा हूँ जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, हर घर में होना ही चाहिए, मगर आजकल लोग उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं नॉलेज तंत्र। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ नेचुरल धूप की। दोस्तों, नेचुरल जो धूप है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जिनको बनाया था और जिनका उपयोग किया, मगर लोग विकसित होते गए, विकासशील होते गए और धीरे 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 वो धूप की जो जगह है वो अगरबत्ती ने ले ली। जो कि अगरबत्ती हमारे शास्त्रों में भी वर्जित है, क्योंकि अगरबत्ती बनाने में बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो अगरबत्ती के साथ में वो बांस की लकड़ी भी जलती है और हमारे यहाँ पे किसी को दाह संस्कार में भी बांस की लकड़ी जलाने की अनुमति नहीं है, और हम अगर उसे जला रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए विकल्प जो है वो है नेचुरल धूप। नेचुरल धूप सिर्फ इसीलिए इफेक्टिव नहीं है, नेचुरल धूप इसलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि ये 100% नेचुरल है और इससे किसी प्रकार का कोई भी जो अपना समाज में या फिर अपने वातावरण में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। जहाँ भी ये धूप जलता है वहाँ पे ये लगभग उसके 200 मीटर के रेडियस में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर देता है। तो दोस्तों, ऐसा ही धूप बनाया है श्री यदुनंदन गौ उत्पाद भुज के एक संस्था है, इन्होंने ये बनाया है और ये धूप जो है बहुत ही इफेक्टिव है। लगभग इसका उपयोग मैं पिछले 20-25 दिन से कर रहा हूँ और मैंने इसे आजमाया है। दोस्तों, धूप जो है तो आजकल मार्केट में बहुत प्रकार की अवेलेबल हैं और उन धूपों पे जो लोग केमिकल डाल करके अपना मार्केट सेट कर रहे हैं, तो ऐसी धूप को आपको प्रयोग में नहीं लेना है। दोस्तों, ये देसी गाय के गोबर से बना हुआ धूप है और देसी गाय भी वो जो जंगल में चरने के लिए जाती है और जंगल की सारी जड़ी बूटियों का सेवन करती है, ऐसे ही गाय का गोबर का इसमें प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, इसके अलावा इसमें लगभग 21 जड़ी बूटियाँ हैं इनका प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इस धूप में मैदा लकड़ी, गुग्गल, राल और कपूर, इस प्रकार की 21 जड़ी बूटियाँ मिला करके ये धूप बनाया गया है। ये धूप जो है बिल्कुल नेचुरल है और 100% नेचुरल चीज़ें इसके अंदर मिलाई गई हैं। दोस्तों, इस धूप का प्रयोग सिर्फ आप घर को सुगंधित और अपने पूजा के लिए नहीं, आप और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, जिनको मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मगर उसके पहले दोस्तों, हम जान लेते हैं कि धूप को जलाने से होता क्या है। ये धूप जलाने से जो हमारे घर के आसपास के, हमारे शरीर के अंदर के जो रोगाणु जीवाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं, और वो नष्ट होने से जो हमारी शारीरिक और हमारी मानसिक शांति है वो हमारी प्रबुद्ध होती है, मतलब स्ट्रांग होती है, जिससे हमारी सोचने और समझने की क्षमता भी हमारी मजबूत होती है। दोस्तों, जिन भाइयों को चर्म रोग की समस्या है, तो दोस्तों ये धूप जलाने के बाद में जो राख बचती है, ये राख को अगर आप देसी गाय के घी के साथ में मिला करके और अब उस जगह पे लगाएं, या आप पूरे शरीर पे भी लगा सकते हैं, जिससे आपके अंदर की दाद, खाद, खुजली या किसी भी प्रकार की अगर स्किन समस्या है तो इससे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो धूप बनाया है भाई जी ने, ये बहुत ही अच्छा है, सुगंधित है, नेचुरल फ्रेग्रेंस है इसमें, और मैं एक बार जला के दिखा देता हूँ। ये टिल एंड तक, स्टार्ट में जला करके ये लास्ट तक जलता है, इसमें जलने की भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि आजकल मार्केट में जो धूप अवेलेबल है वो आते हैं बता करके कि हमने गोबर से बनाया हुआ है, मगर होता क्या है कि वो पूरे जलते ही नहीं हैं, आधे जलते हैं या थोड़े से ही, एक बार जितना हमने जला दिया उतने जल करके बुझ जाते हैं। तो दोस्तों, ये धूप बहुत ही असरदार है और मैं अपील करूँगा कि आप भी ये जो धूप है ये धूप मंगाएँ, और जो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर है आप उससे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी निकाल सकते हैं। ये जो धूप है ये बहुत ही असरदार है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस धूप का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करें, पूजा पाठ में करें और इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं आप। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ साथ में दूसरे घर में भी शांति फैले, तो आप इसका गिफ्ट भी देने का प्रयास कर सकते हैं, आप दूसरे को गिफ्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत कोई कॉस्टली नहीं है, ये जो 100 ग्राम का ये पैकेट है, ये 100 ग्राम के पैकेट लगभग 100 रुपये में हमें मिल जाता है, और इसके अंदर लगभग 30 से 40 जो स्टिक हैं वो रहती हैं। मार्केट में आज की डेट में लोग 500 रुपये, 1000 रुपये का भी बेच रहे हैं, मगर ये हम इसकी जवाबदारी या हम इसकी गारंटी लेते हैं कि ये लगभग 21 जड़ी बूटियों से बना हुआ है और 100% नेचुरल धूप है। इससे बहुत ज़्यादा कोई सुगंध तो नहीं आती है, मगर ये घर को जो है तो सुख शांति से भर देता है। आपके घर की जो क्लेश है, बाधा है, जो आप आपस में ही चिड़चिड़ापन होता है, तो जो इसकी सुगंध है या जो इसके जलाने के बाद में जो आपके घर में सकारात्मकता आती है, उसकी वजह से आपके वो चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाता है और आपस के लड़ाई झगड़े भी लगभग लगभग खत्म हो जाते हैं। तो आप दोस्तों इस धूप का प्रयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, बहुत ही असरदार धूप है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने इस धूप को जला करके दिखा देता हूँ।
ये धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे धूप बनाना भी आता है, मगर ये भाई जी ने बनाया और मैंने चेक करने के लिए मंगाया था कि जो मार्केट में चल रहे हैं वो किस प्रकार के धूप हैं। तो ये धूप जो है मैं आपके सामने जला देता हूँ। और ये धूप आपके सामने मैं जला देता हूँ और ये जो जलाने से हल्का हल्का ये जल रहा है, मगर जो इसकी खुशबू है ये आने लगी है बिल्कुल नेचुरल। जो फ्रेग्रेंस है ये आने लगी है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो इसके अंदर घी की मात्रा जो है वो डाली गई है और देसी घी डाला गया है। अगर इस देसी घी को अगर हम जलाते हैं और वो अगर वातावरण में पहुंचता है तो हमारे घर तो ठीक है, हमारे घर के आसपास के माहौल को भी बिल्कुल सकारात्मक बना देता है जो इस चीज़ के अंदर है। और इसके साथ में ही आपको ये स्टिक मिल जाती है जिसको जिसमें लगा करके एक स्टैंड मिल जाता है धूपबत्ती का, और धूपबत्ती के स्टैंड के साथ में आप इसे रख सकते हैं कहीं भी। आप पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप पूजा पाठ के अलावा भी अपने घरों को सुगंधित या फिर सकारात्मक करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करें, और इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।